नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए हम ले चलते हैं आपको मंडार थाना परिसर में, जहां पर सीएलजी की मीटिंग रखी गई थी। आज सीएलजी मीटिंग में कल मंडार में होने वाले मेले के संदर्भ में थी, और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को भी लेकर थी, कि जिसमें सारी चर्चाएं ग्रामीणों के बीच में हुई, आसपास के बुद्धिजीवी वर्ग और सीएलजी सदस्य व ग्रामीण उपस्थित रहे। थानाधिकारी कमलेश गहलोत ने बताया कि आपसी सौहार्द और तालमेल के तहत सारा कुछ हम काम करेंगे, और आपका सहयोग इच्छनीय है। आप जो भी काम होगा आप हमें बताइएगा, और मेले के अंदर और किस तरह की बातों का ध्यान रखा जाए वो भी सुझाव देवें। तो गांव वालों ने अपने अपने सुझाव भी दिए। थानाधिकारी ने बताया कि आगे जो कोरोना वायरस दोबारा अपना असर उठा रहा है, उसको देखते हुए भी हम मास्क अभियान चलाएंगे, जिसके तहत समझाइश के बाद उनकी फाइन भी ली जाएगी, चालान काटा जाएगा, और मेले में भी हमारी टीम पूरा ध्यान रखेगी, आपकी आस्थाओं का भी ध्यान रखेगी और सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि कम से कम लोग वहाँ उपस्थित हों और भीड़ इकट्ठी ना हो। खास करके वो लोग ही आ सकते हैं जिनका 72 घंटे पहले कोविड टेस्ट हुआ है। इसके अलावा तो सैनिटाइजर उपयोग करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। क्या कहा थानाधिकारी ने, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। उसके लिए विशेष अपने इन्होंने साहब ने बनाया है, एसडीएम साहब ने, और गवर्नमेंट की मंशा है भाई, कोरोना वापस आ रहा है, आप सबको पता ही है। पिछले साल हमने कितना दुख देखा, कितना कष्ट झेला पूरे देश दुनिया में, हम सब नहीं झेला। तो उसके लिए थोड़ा अपने को अवेयर होना पड़ेगा। आज से पुलिस है जो चालान बनाएगी, अब 200-500 दुकान वाले, और जो दुकानदार जो भी है वो कम से कम बिना मास्क वाले को सामान तो नहीं दे। ये अपने को थोड़ा सा भी टाइट करना पड़ेगा। टाइट करेंगे तब अपने को अपन इजी रहेंगे, अपना पड़ोसी सुरक्षित रहेंगे, अपन सुरक्षित रहेंगे। इस हिसाब से कल मेला भी है, तो मेला में भी आप कहना, जिसका 72 घंटे पहले IPR वाला वो टेस्ट हो रखा है वो ही मेले में आ सकेगा। उसका टेस्ट नहीं है उसका फाइन लगेगा और कार्रवाई। बिल्कुल अपनी ओर से पूरा एफर्ट करेंगे।